वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजनीति विज्ञान बीए फोर्थ सेमेस्टर के मॉडल पेपर के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं और उन प्रश्नों का उत्तर आप कैसे लिख पाएंगे। तमाम प्रकार के चीज़ों पर, पहलुओं पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आपको बता दूँ, राजनीति विज्ञान जब आप पढ़ते हैं और बीए फोर्थ सेमेस्टर में होते हैं तो आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में पढ़ना होता है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का सीधा सा मतलब होता है, जो वेस्टर्न माने होता है पाश्चात्य, पॉलिटिकल माने होता है राजनीतिक और थॉट माने होता है विचार। यानी कि जो पाश्चात्य राजनीतिक विचार रहे हैं, चाहे वो प्राचीन पाश्चात्य राजनीतिक विचार, चाहे मध्य के और चाहे आधुनिक, तो मध्य, प्राचीन और आधुनिक पाश्चात्य जो साहित्य है, मतलब पाश्चात्य जो इतिहास है, उसमें बहुत सारे फिलोसॉफर हुए हैं और उन्होंने अपनी अपनी विचारधाराएं दी हैं, तो उन्हीं विचारधाराओं को जो कि राजनीति से रिलेटेड हैं उनके बारे में हम लोगों को जानना है। यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचारधारा या वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको पता होगा कई सारे जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं उनके बारे में जानना है और उनके सिद्धांतों के बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा। इससे पहले एक दो मॉडल पेपर ऑलरेडी मैं जो है लिखित टाइप का दे चुका हूँ और ये मॉडल भी आपका लिखित मॉडल पेपर ही है। मतलब इसमें आपको अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये सब प्रश्न जो हैं वो कैसे कैसे आएंगे और किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से रिलेशन रखते हैं, सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर 2023, पाश्चात्य राजनीतिक विचारधारा यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट, इसी का न्यू मॉडल पेपर है ये। और पहला जो आपका एक प्रकार से खंड है उसमें आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा, जिनकी संख्या लगभग 10 होती है। 10 के 10 प्रश्नों को अर्थात सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है। 2 नंबर एक प्रश्न के लिए दिए जाते हैं। इसी प्रकार से देखिए, राम मनोहर लोहिया में 2 घंटे की परीक्षा हो गई है, बाकी विश्वविद्यालय में 3 घंटे की हो रही है। 2 घंटे की परीक्षाओं में कर क्या दिया गया है कि 10 क्वेश्चंस आधे लघु उत्तरीय का और 4 क्वेश्चंस लघु उत्तरीय का। शब्द सीमा कम कर दी गई है, जहां पहले 200 शब्द लिखना पड़ता था वहां पर अब 150 शब्द लघु उत्तरीय के लिए, और दीर्घ उत्तरीय के लिए जहां 500 शब्द पहले लिखना पड़ता था अब 450 शब्दों में ही लिखना पड़ेगा आपको। इस प्रकार से कुछ चेंजमेंट हुआ है, बाकी अधिकतर विश्वविद्यालय में यही पैटर्न फॉलो होता है। अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहला प्रश्न है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, तो प्लेटो जो है ये प्राचीन, खास करके प्राचीन पाश्चात्य विचारक रहे हैं, पाश्चात्य थिंकर है जो कि प्राचीन काल से रिलेशन रखते हैं। प्लेटो हो गए, अरिस्टोटल हो गए, ये सब ठीक है। प्लेटो की मुख्य रूप से जो है 3 रचनाएं हैं आपको बता दूं, और सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, ये बात भी ध्यान रखिएगा। किसके शिष्य थे? सुकरात के शिष्य थे कौन? प्लेटो। प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरिस्तो यानी अरिस्टोटल। और सुकरात को अंग्रेजी में सोक्रेटिस कहा जाता है, तो सुकरात या सोक्रेटिस उनके शिष्य हैं प्लेटो, ठीक है। और प्लेटो के शिष्य हैं अरिस्तो, अरिस्तो का शिष्य है सिकंदर। तो ये एक प्रकार से थोड़ा सा जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। तो प्लेटो की मुख्य रूप से 3 रचनाएं भी बड़ी फेमस हैं। एक तो द रिपब्लिक पुस्तक बड़ी फेमस है प्लेटो की, ठीक है। एक पुस्तक है दी स्टेटमैन, ठीक है, और एक पुस्तक है द लॉज। तो दी स्टेटस मैन या द स्टेटमैन, द रिपब्लिक और द लॉज, ये 3 पुस्तकें प्लेटो की बड़ी फेमस पुस्तकें हैं। तो आपसे पूछ सकता है प्लेटो की 1-2 पुस्तकों के नाम बताएं या 3 पुस्तकों के नाम बताएं, तो आप बता पाएंगे। लेकिन यहाँ पर शिक्षा सिद्धांत के बारे में आपसे पूछा गया है। तो प्लेटो ने, चूँकि उस समय, जिस समय प्लेटो थे उस समय यूनान में प्रचलित शिक्षा पद्धतियों का पहले अध्ययन किया प्लेटो ने, और जब उस समय प्रचलित शिक्षण पद्धतियों और शिक्षा पद्धतियों का अध्ययन किया तो उसके बाद उन्होंने शिक्षा पद्धति की योजना प्रस्तुत करी। प्लेटो ने शिक्षा को 2 भागों में बांटा और उन्होंने कहा कि शिक्षा 2 भागों में होनी चाहिए, एक तो प्रारंभिक शिक्षा और एक उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के बारे में प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कहते हैं कि 20 वर्ष की आयु वर्ग वालों को प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है, और प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद में व्यक्ति उच्च शिक्षा में प्रवेश एक प्रकार से पाता है, या उच्च शिक्षा में तभी उसको प्रवेश मिलता था जब वह 20 वर्ष की आयु क्रॉस कर चुका होता है और 20 वर्ष की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको कंप्लीट कर देता है।
उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जो होता था वही राजा बनने योग्य हुआ करता था, ऐसा प्लेटो अपने शिक्षा के सिद्धांत में बताता है कि जो व्यक्ति या जो राजा मतलब कि जो व्यक्ति क्या करता था, जो व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त होता था वही राजा बनने का अधिकारी हुआ करता था और वही राजा बनने के योग्य है, प्लेटो अपने सिद्धांत में बताता है। आपको बता दूँ प्लेटो की शिक्षा पद्धति का बड़ा महत्व भी है, शिक्षा सिद्धांत का इसके बहुत ही महत्व है। पहली बात तो इसके शिक्षा पद्धति का महत्व इस बात से लगाया जा सकता है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत जो है कहीं ना कहीं पे प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत से ही आधारित है। तो प्लेटो ने ही एक प्रकार से दार्शनिक राजा की बात कही कि एक राजा को दार्शनिक होना चाहिए, मतलब एक राजा को पढ़ा लिखा होना चाहिए, जानकार होना चाहिए, उच्च शिक्षा पद्धति के द्वारा पढ़ा हुआ जाना चाहिए, मतलब कि 20 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा के बाद जब वो 20 मतलब 20 साल तक एक प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा पढ़ करके उत्तीर्ण हो जाए, फिर उसके बाद में एक प्रकार से वह उच्च शिक्षा में प्रवेश पाए। तो उच्च शिक्षा में प्रवेश जब वो कर लेता है और उच्च शिक्षा एक प्रकार से प्राप्त कर लेता है पूर्ण रूप से, उसके बाद में कोई व्यक्ति राजा बनने का अधिकारी होगा। ये एक प्रकार से दार्शनिक राजा की कल्पना भी परस्तु ने मतलब कल्पना क्या अवधारणा जो है दार्शनिक राजा की ये प्लेटो ने ही दी। तो सबसे पहली बात दार्शनिक राजा की खोज में सहायक है इनकी शिक्षा का सिद्धांत जो है प्लेटो के। दूसरा शिक्षा के सिद्धांत का यह महत्व है प्लेटो के कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है इनके द्वारा। तीसरी बात शिक्षा न्याय का भी साधन है, शिक्षा के द्वारा न्याय अच्छे तरीके से दे पाएंगे आप अगर शिक्षित होंगे, इसीलिए राजा का शिक्षित होना प्लेटो स्वीकार करता है। इसके अलावा चौथी बात सभी को समान शिक्षा देनी चाहिए, ये भी प्लेटो बात करता है। इसके अलावा प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत इस बात का मतलब प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का जो है महत्व तो जो है इस बात से लगाया जा सकता है क्योंकि इसका शिक्षा सिद्धांत या शिक्षा का उद्देश्य उत्तम नागरिक बनाना होता था कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति जो है एक अच्छा नागरिक बन सके। इसके अलावा शिक्षा राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए, ये सभी बात को स्वीकार करता है प्लेटो और इन सभी प्रकार से महत्व तो है प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं, आगे देखिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार के बारे में बताएं। अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अरस्तु की बात की जाए तो अरस्तु चूंकि जिस समय अरस्तु थे प्लेटो के शिष्य थे तो प्लेटो का प्रभाव तो अरस्तु पर पड़ा ही, और उस समय की जो मान्यता थी जिस समय अरस्तु थे उन्होंने अपनी समय की मान्यताओं का खंडन किया और अरस्तु ने कहा कि केवल किसी राज्य में मात्र निवास करने से हम किसी को नागरिक नहीं मान सकते हैं, नागरिक वही है जो न्याय व्यवस्था एवं विधायिका के एक सदस्य के रूप में राज्य के कार्यों में भाग लेता है। और अरस्तु ने चार दशाओं के बारे में बताया है जिससे नागरिकता प्रदान की जा सकती है किसी भी व्यक्ति को, या वह व्यक्ति नागरिक माना जाएगा अगर वो चार दशाओं में खरा उतरता है। पहली दशा अरस्तु कहते हैं कि राज्य के किसी स्थान पर निवास करने से मात्र नागरिकता नहीं मिल जाती है क्योंकि राज्य में विदेशी लोग और दास लोग भी रहते हैं, ठीक है, और इसीलिए हर व्यक्ति केवल निवास करने से उसको नागरिकता नहीं मिल जाती है, ठीक है। दूसरी बात किसी पर महाभियोग चलाने का अधिकार मिलने से उसे हम राज्य का नागरिक नहीं मान सकते हैं। तीसरी बात जिसके माता पिता राज्य के नागरिक नहीं हैं उसे कैसे राज्य का नागरिक माना जा सकता है, ये बात भी प्लेटो मतलब अरस्तु कहता है। चौथी बात जो अरस्तु कहते हैं नागरिकता को लेकर के कि राज्य से निष्कासित और मताधिकार से वंचित व्यक्ति को हम राज्य का नागरिक नहीं मान सकते हैं। इस प्रकार से प्लेटो ने एक प्रकार से नागरिकता के ये सारे मापदंड बताए हैं कि भाई अगर ऐसा है तो उनको हम नागरिक नहीं मान सकते हैं और लगभग बाकी लोगों को जो जिनके अंदर ये कमियां नहीं हैं उनको हम मान सकते हैं। तो विधायिका एवं न्यायपालिका के एक सदस्य के रूप में भाग लेने वाले व्यक्ति ही राज्य के नागरिक होते हैं, ऐसा अरस्तु कहता है। अरस्तु कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो विधायिका और न्यायपालिका के एक सदस्य के रूप में भाग लेने वाले व्यक्ति होते हैं उसको हम नागरिक कह सकते हैं, और क्योंकि ये दोनों प्रभुसत्ता के अनिवार्य कार्य हैं, चाहे विधायिका की बात की जाए चाहे न्यायपालिका की बात की जाए। तो इस प्रकार से अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार के बारे में हमने आपको बता दिया, ये थे इनके एक प्रकार से नागरिकता संबंधी विचार अरस्तु के। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सिसरो के कानून संबंधी विचार बताइए। सिसरो की अगर बात की जाए तो सिसरो समानता और कानून दोनों से रिलेटेड बड़े अच्छे विचार देते हैं। सिसरो रोमन दार्शनिक था आपको पता होगा, और रोम की सरकार जो थी वो निरंकुश थी जब ये था, और रोम की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल थी। जूलियस सीजर के साथ मिल करके सिसरो ने भी सरकार की निरंकुशता का विरोध किया। तो कुल मिलाकर के सिसरो ने कानून के संबंधी कई सारे विचार दिए और सिसरो ने प्राकृतिक कानून की धारणा को स्वीकार किया।
सिसरो इस संबंध में कहता है कि विश्व की सभी वस्तुओं में प्राकृतिक कानून व्याप्त है और इसी आधार पर सामाजिक तथा राजनीतिक कानूनों का निर्माण होता है। जो कानून प्राकृतिक कानून के अनुकूल नहीं होते हैं उसे कानून नहीं माना जा सकता। यह कानून सभी चल अचल संपत्तियों पर लागू होता है। चल माने होता है ऐसी शक्तियाँ या ऐसे संपत्तियाँ जो कि चलायमान है, अचल संपत्ति मतलब होता है जो चलायमान नहीं है। खास करके प्राकृतिक कानून जो होते हैं सार्वभौमिक होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं और शाश्वत होते हैं। हर एक समाज में हर एक जगह पर हमेशा से प्राकृतिक कानूनों का दबदबा और बोलबाला रहा है। ऐसे में किसी राजा के द्वारा बनाए गए कानून को कहीं ना कहीं पे उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं ये सिसरो महोदय। और ये किसको महत्व देते हैं? ये महत्व देते हैं भैया किसको? ये महत्व देते हैं प्राकृतिक कानूनों को, क्योंकि प्राकृतिक कानून जो होते हैं यूनिवर्सल होते हैं, अचेंजमेंट होते हैं मतलब कि चेंजमेंट नहीं होते हैं, शाश्वत होते हैं मतलब हमेशा होते हैं, हर जगह होते हैं, हर देश हर राष्ट्र में प्राकृतिक कानूनों का बोलबाला होता है और अच्छे कार्यों को करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं जो प्राकृतिक कानून होते हैं और बुरे कार्यों को करने से रोकते हैं हमको प्राकृतिक कानून। तो इस प्रकार से सिसरो ने कानून को लेकर के ऐसी बातें बताई। प्रत्येक सिसरो कहता है कि प्रत्येक मनुष्य दो कानूनों के अधीन होता है, पहला प्राकृतिक और दूसरा राज्य के द्वारा निर्मित। मतलब एक ऐसा कानून जो कि प्राकृतिक कानून है, जो प्रकृति के द्वारा खुद बना हुआ कानून है। दूसरा कानून होता है जो कि राज्य की सरकार ने बनाया हुआ है या राज्य के द्वारा बनाया गया कानून है। प्राकृतिक कानून की अगर बात की जाए तो प्राकृतिक कानून का पालन करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वो प्राकृतिक मतलब कि प्राकृतिक जो कर्तव्य है या प्राकृतिक जो एक प्रकार से कानून है उनका पालन करे। और खास करके ये कर्तव्य होता है राज्य के द्वारा निर्मित कानून जो होता है उसका पालन व्यक्ति को उसी सीमा तक करना चाहिए जहाँ तक प्राकृतिक कानूनों का उल्लंघन नहीं होता। अगर कोई राजा प्राकृतिक कानूनों को ध्यान में न रख करके अपने हिसाब से कानून बनाता है तो कोई बाध्यता नहीं है कि भाई व्यक्ति उस कानून को मानेगा ही। व्यक्ति केवल उसी कानून को मानेगा जो जायज होगा, जो प्रकृति के अनुकूल होगा, प्राकृतिक कानूनों के एक प्रकार से आयत में होगा, उसके अंदर होगा। प्राकृतिक कानूनों के प्रतिकूल अगर कोई नियम कायदा बनाता है कोई सरकार या कोई राज्य तो उसको मानना कोई बाध्यता नहीं है, ये बात सिसरो कहते हैं। तो सिसरो को मिला करके, चूँकि सिसरो जो जिस समय थे रोम में उस समय निरंकुशता फैली हुई थी और निरंकुश शासन का घोर विरोधी थे ये। जूलियस सीजर के साथ मिलकर के इन्होंने क्या किया था, रोमन साम्राज्य को एक प्रकार से मुक्ति दिलाने का काम इन्होंने करने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं पर आप देखते सिसरो जो हैं ये एक प्रकार से राज, ये सिसरो कहते हैं राज एक मानव साझेदारी का प्रतीक है जो संपूर्ण जनता की सामूहिक संपत्ति है जिसकी सदस्यता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। राजसत्ता का प्रयोग जनहित में किया जाना चाहिए, नागरिकों का हित सर्वोच्च है और सभी एक ही मानव जाति के संतान हैं। मानव मानव में कोई भेद नहीं होना चाहिए, ईश्वर ने सबको समान अधिकार दिया है, ऐसा एक प्रकार से बताते हैं सिसरो। ठीक है, तो ये सिसरो की बड़ी अच्छी बातें और सिसरो महोदय के ने जो बताया था कानून से रिलेटेड चीज़ें, प्राकृतिक कानूनों का समर्थन करते हैं और राज्य जो राज्य के द्वारा निर्मित कानूनों का विरोध भी नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे कानूनों का विरोध करते हैं जो प्राकृतिक नियमों को नहीं मानता है। तो ये है सिसरो। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, चौथा प्रश्न है एक्विनास के राज्य संबंधी विचार बताइए। एक्विनास की अगर बात किए तो थॉमस एक्विनास या टॉमस एक्विनास जो हैं ये राष्ट्रीय एकता पर बल देते हैं। राज्य को लेकर के राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं कि भाई राज्य जो है वो राष्ट्रीय एकता जब तक नहीं होगी तब तक राज्य एक प्रकार से अच्छे तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा। थॉमस एक्विनास कहते हैं कि मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य की पूर्ति नगर राज्य में ना होकर के या नगर राज्य में ना होकर के राष्ट्रीय राज्य में होती है और राज्य के दीन दुखियों के लिए उचित साधन जुटाना तथा नागरिकों के शिक्षा की व्यवस्था करना मुख्य कर्तव्य होता है। ठीक है, और ये एक्विनास कहते हैं थॉमस एक्विनास कि राज्य और व्यक्ति का जो होता है एक ही उद्देश्य होता है और उसने ईश्वर को सभी प्रकार की राजनीतिक सत्ता का एकमात्र साधन माना है। मतलब इसने जो है ईश्वर को सभी प्रकार की राजनीतिक सत्ता का एकमात्र मतलब कि राजनीतिक सत्ता का एकमात्र साधन जो है वो ईश्वर है, ऐसा मानते हैं कौन, थॉमस एक्विनास। ठीक है, अरस्तु के द्वारा किए गए राज्यों के वर्गीकरण को एक्विनास ने आधार बनाया और एक्विनास ने शासन व्यवस्था के कितने रूप बताए भैया? तो एक्विनास ने शासन व्यवस्था के 6 रूपों का वर्णन किया और राजतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना है किसने, एक्विनास ने। तो आपसे पूछा था एक्विनास किसको मानता, भाई एक्विनास जो है वो
वो राजतंत्र को, या एक प्रकार से वो राजतंत्र को एक प्रकार से बड़ा अच्छा मानता है एक्विनास। ठीक है, एक्विनास कहता है कि जिस प्रकार शरीर पर मनुष्य का हृदय शासन करता है, ठीक उसी प्रकार इस संसार पर एक ही शक्ति राज करती है, और वह शक्ति है ईश्वर की शक्ति। और राजतंत्र में शांति, सुरक्षा, सुव्यवस्था और समन्वय भली भांति स्थापित हो जाता है, ईश्वर के होने से या ईश्वर के द्वारा। तो एक्विनास का कहना है कि राजा का कर्तव्य जो होता है जनता की सेवा करना होता है, और राज संबंधी विचार ही पूछे गए हैं। तो एक्विनास क्या कहता है, एक्विनास कहता है कि राजा का क्या कर्तव्य होता है, जनता की सेवा करना, और उसका प्रथम कर्तव्य है सुख, समृद्धि, शांति और आदर्श का जीवन स्थापित करना, ताकि जनता सुखी रह सके। और जनता एक प्रकार से जब सुखी रहेगी, शांति रहेगी, समृद्ध रहेगी, तो ही राज्य का भी विकास होगा। एकता और शांति की स्थापना के लिए राजा को, या फिर एक प्रकार से राजा जो है प्रजा के लिए, प्रजा का जीवन एक प्रकार से तभी सुखी होगा जब एकता और शांति की स्थापना किसी भी राज्य में हो जाएगी। यानी राजा का कर्तव्य है कि वो एकता और शांति की स्थापना राज्य में करे, जिससे प्रजा सुखी हो। प्रजा से कानूनों का पालन करवाना, विदेशी आक्रमण से प्रजा की रक्षा करना, ये सब राजा के और कर्तव्य होते, ये सब कर्तव्य राजा के ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे कई कर्तव्य तो मैंने ऑलरेडी बता ही रखे थे, तो कुछ और कर्तव्य होते राजा के, जैसे कि प्रजा से कानूनों का पालन करवाना, ताकि जो कानून है उसका पालन हो सके, और विदेशी आक्रमण अगर हो रहा है तो उससे प्रजा की रक्षा करना, ये भी राजा का कर्तव्य होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये एक्विनास के राज संबंधी विचार है जो मैंने आपको बताए। आगे देखिएगा, पाँचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पाँचवा प्रश्न है, ऑगस्टाइन के दो राज्यों की अवधारणा बताइए। ऑगस्टाइन की बात की जाए तो संत थॉमस जो है, संत हैं ये एक प्रकार से ऑगस्टाइन, और ऑगस्टाइन का एक ग्रंथ है, उसका नाम है ईश्वर का राज्य। आपको बता दूँ, सिटी ऑफ गॉड उनकी रचना है, थॉमस ऑगस्टाइन की, मतलब कि संत ऑगस्टाइन की कौन सी रचना है, सिटी ऑफ गॉड यानी ईश्वर का राज्य। और इसमें दो राज्यों की अवधारणा का प्रतिपादन ऑगस्टाइन ने किया है। ऑगस्टाइन कहते हैं कि मनुष्य दो राज्यों का नागरिक होता है, और यही विचार रोम के प्रसिद्ध दार्शनिक सम्राट थे मार्कस आरेलियस, उन्होंने भी दिया था। मार्कस आरेनियस आरे मतलब कि आरेलियस जो थे, उन्होंने भी एक प्रकार से दो राज्यों का विचार उन्होंने भी दिया था। इसके अलावा अगर आपको बताऊं, प्रत्येक व्यक्ति दो राज्यों का निवासी होता है, ये ऑगस्टाइन और जो है आरेलियस जो कि जो है सम्राट हैं, कहाँ के, रोम के प्रसिद्ध सम्राट हैं, दार्शनिक थे, पढ़े लिखे विद्वान थे। तो इन दोनों ने मिलकर के दो राज्यों के बारे में बताया, दो राज्यों की कल्पना करी। कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो दो राज्यों का निवासी होता है, एक तो भाई जिस देश में वो रहता है, यानी कि एक तो रोम का और दूसरा विश्व राज्य का। मतलब एक तो चूँकि रोम का है, चूँकि जिस देश में आपने जन्म लिया है, दूसरा आपने चूँकि संसार में जन्म लिया है, आपने पृथ्वी पर जो है जन्म लिया है, तो इस कारण से आप एक प्रकार से विश्व राज्य के भी आप एक नागरिक हुए। और इस नैतिक धारणा को ईसाई धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आपको बता दूं कि ईसा और ईसाई संतों ने कहा है कि संसार में मनुष्य एक निर्वासित या एक तीर्थयात्री की तरह होता है, क्योंकि उसका असली घर तो स्वर्ग होता है, वो बस यहाँ पर भ्रमण करता है, क्योंकि यहाँ पर भ्रमण किए बिना स्वर्ग नहीं जाया जा सकता। तो संत पाल कहते हैं इस संबंध में कि जिस राज्य के हम निवासी हैं वह तो स्वर्ग में है, और ऑगस्टाइन के अनुसार इस पृथ्वी के राज्य आदम के पतन के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। जब आदम और हव्वा, आदम हव्वा एक प्रकार से जैसे श्रद्धा मनु हैं, या एक प्रकार से मनु सतरूपा हैं, ठीक है, आप लोग जानते होंगे हिंदू धर्म में, वैसे आदम और हव्वा बहुत पुराने लोग हैं, जिनसे एक प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है ईसाई धर्म के अनुसार, और मुस्लिम धर्म के लोग भी इन्हीं को स्वीकार करते हैं, आदम और हव्वा को। तो आदम जो हैं, जब उनका पतन हुआ तो उनके परिणाम स्वरूप जो है पृथ्वी, जो है पृथ्वी के राज्य आदम के पतन के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आते हैं। और जब आदम का पतन हो जाता तो उससे पूर्व मनुष्य स्वर्ग के राज्य में सुख शांति से निवास कर रहा था। तो कुल मिलाकर के ये एक प्रकार से ईसाई धर्म में महत्वपूर्ण माना गया है इस नैतिक धारणा को। एक तो दूसरे विश्व राज्य का व्यक्ति नागरिक होता है, और दूसरा रोम का। तो ये दो राज्यों की अवधारणा यही है, ठीक है, कि एक तो भाई जिस देश में आप रहते हो वो, और एक संसार पूरा। ठीक है, तो ये हो गया दो राज्यों की अवधारणा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैकियावेली अपने युग का शिशु,
मैकियावेली का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। राज्य से रिलेटेड विचार बहुत सारे इसके हैं, धर्म और नैतिकता पर भी टिप्पणी करते हैं मैकियावेली। और मैकियावेली अपने युग का शिशु मैकियावेली को कहा जाता है। आपको बता दूं मैकियावेली को कुछ विद्वानों ने सनकी माना है, तो कुछ विद्वानों ने उसके प्रति सहानुभूति दिखाई है। आपको बता दूं कि एक विद्वान उसे युग के एक शिशु के रूप में मानते हैं, जैसे मैक्सी जो है उसको युग पुरुष मानते हैं। मैक्सी इतिहासकार हैं, वो एक प्रकार से युग पुरुष मानते हैं। किसको युग पुरुष मानते हैं भैया? वो युग पुरुष मानते हैं मैकियावेली को। कौन युग पुरुष मानता है? मैक्सी उसको युग पुरुष मानते हैं। अधिकतर विद्वान उसको एक प्रकार से क्या मानते हैं? सनकी मानते हैं। कुछ विद्वान उसको उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वान जो हैं अपने अपने हिसाब से उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, अब प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया कि अपने युग का शिशु जो मैकियावेली है वो एक प्रकार से क्यों कहा जाता है, और विभिन्न विद्वानों ने मैकियावेली को किन आधारों पर इसको युग अपने युग का शिशु कहा, तो उसी आधारों के बारे में यहाँ पर आपको लिखने के लिए बोला गया है। पहला आधार ये है जिससे मैकियावेली को युग का अपने युग का शिशु कहा जाता है, चूँकि सेबाइन महोदय कहते हैं, सेबाइन एक प्रकार से विद्वान हैं, जैसे ये हैं वैसे सेबाइन भी हैं। तो सेबाइन कहते हैं कि उस समय सभी संस्थाएँ अपने नैतिक पतन की ओर बढ़ रही थी, और ऐसे समय में मैकियावेली एक स्वार्थहीन युग के सिद्धांतवादी विचारक थे, और इस कारण से जब सारी संस्थाएं अपने नैतिक पतन की ओर बढ़ रही थी उस समय मैकियावेली आकर के स्वार्थहीन युग, मतलब कि कोई स्वार्थपरक युग की बात नहीं करता, स्वार्थहीन युग की कल्पना करता है और उस सिद्धांत को एक प्रकार से मानने वाला विचारक होता है, ये सेबाइन कहते हैं। तो ये कारण रहा पहला जो उसको अपने युग का शिशु कहा गया। दूसरा कारण जो बताया विद्वानों ने, दूसरा कारण ये है, जोन्स महोदय हैं वो कहते हैं कि मैकियावेली को पुनर्जागरण और फ्लोरेंस का शिशु बताया। मैकियावेली को पुनर्जागरण और फ्लोरेंस का शिशु किसने बताया? जोन्स महोदय ने। और जोन्स महोदय ने अपने धर्म को राजनीति से अलग करके एक नए युग की शुरुआत करी। इसके अलावा तीसरी बात, मतलब मैकियावेली ने ऐसा करा, मैकियावेली ने क्या किया? धर्म को राजनीति से अलग करके एक नए युग की शुरुआत करी, और इसीलिए इसको फ्लोरेंस और पुनर्जागरण युग का शिशु बताया जाता है। मैकियावेली की एक पुस्तक है द प्रिंस, बड़ी फेमस पुस्तक है। तो द प्रिंस पुस्तक जो कि बड़ी फेमस पुस्तक है, उस पुस्तक में शासक को निरंकुश, अत्याचारी, विश्वासघाती, कपटी और बहुरूपिया बताया है मैकियावेली ने, कि शासक जो होता है वो एक प्रकार से निरंकुश होता है, अत्याचारी होता है, विश्वासघाती होता है, कपटी होता है, बहुरूपिया होता है। ठीक है, चौथी बात, मैकियावेली जो है ये वासना का शिशु है ऐसा भी कहा जाता है, और इसी कारण से इसको अपने युग का शिशु कहा जाता है। इसके अलावा मैकियावेली ने राष्ट्रीय भावना को प्रेरित किया है, और इसीलिए उसे राष्ट्रीयता का भी शिशु कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैकियावेली ने शक्ति को ही संप्रभु माना है, कि पावर जो होता है वही सॉवरिन है, वही संप्रभु है, और उसके द्वारा निरंकुश और असीमित शक्ति का समर्थन करता है, ये निरंकुशवाद का समर्थन करता है मैकियावेली, जिसके बाद के सभी विचारकों ने स्वीकार किया है। मतलब बाद में सभी विचारकों ने इस बात को स्वीकार किया कि भाई ये निरंकुशता का एक प्रकार से प्रबल समर्थक था, कौन? मैकियावेली, और इसीलिए इसको जो है अपने युग का शिशु कहा जाता है। तो ये कई प्रकार के पहलू हैं जिन आधारों पर इसको अपने युग का शिशु कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, सातवां क्वेश्चन साहब देखिएगा, बोंदा का संप्रभुता का सिद्धांत। बोंदा का संप्रभुता का सिद्धांत क्या है भाई? बोंदा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बोंदा का पूरा नाम है जीन बोंदा। आपको बता दूँ बोंदा जो है संप्रभुता से रिलेटेड बड़ी अच्छी विचार देते हैं, बड़ा अच्छा विचार। तो बोंदा संप्रभुता के सिद्धांत की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि संप्रभुता वह विभाजक रेखा है जो राज्य को अन्य समुदायों से अलग करती है। संप्रभुता जो होती है नागरिकों और प्रजाजनों पर प्रयुक्त की जाने वाली एक सर्वोच्च शक्ति होती है जो कानून के द्वारा नियंत्रित नहीं होती, और प्रत्येक राज्य में एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों के समूह में विधियों का स्रोत होता है। संप्रभुता एक राज्य में शासन करने की निरपेक्ष एवं अस्थायी शक्ति होती है। संप्रभुता की अगर मैं आपको बात बताऊं तो संप्रभुता क्या है? संप्रभुता का सीधा सा मतलब होता है कि कोई देश जो है आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र है तो वो संप्रभु कंट्री है, संप्रभु देश है। मतलब कोई चीज़ या कोई राज्य है, कोई व्यक्ति है उस पर कोई, मतलब कि कोई उस पर एक प्रकार से आंतरिक और बाहरी रूप से कोई दबाव नहीं है, जो भी निर्णय लेने को होता है वो ले लेता है, तो वो व्यक्ति संप्रभु व्यक्ति कहा जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। संप्रभुता के सिद्धांत को लेकर के संप्रभुता की सीमाओं को बताया बोंदा ने। बोंदा ने कहा कि सीमाएं एक प्रकार से कितनी होती हैं? बोंदा ने कहा कि एक प्रकार से सीमाएं जो होती हैं वो ईश्वरीय एवं प्राकृतिक नियम और व्यक्तिगत, पहले ईश्वरीय
और प्राकृतिक नियम जो होता है ये सीमा होती है बोंदा के अनुसार संप्रभुता की, और व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार ये सब सीमाएं हैं बोंदा के अनुसार किसकी, संपत्ति की, मतलब उसकी संप्रभुता की। तो संप्रभुता कहीं ना कहीं पे क्या है, संप्रभुता जो होती है वो एक प्रकार से कानून के द्वारा नियंत्रित नहीं होती, कानून से परे होती है और उस पर कोई किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। तो कानून का नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं होता है संप्रभुता का, संप्रभुता में। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। हाप्स और लाख की प्राकृतिक अवस्था और मानव स्वभाव। अच्छा, यहाँ पर हाप्स की जो है वो प्राकृतिक अवस्था के बारे में प्रश्न आपसे पूछता है कि हाप्स की प्राकृतिक अवस्था बताएं और लाख के मानव स्वभाव के बारे में बताएं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हाप्स की प्राकृतिक अवस्था और लाख का मानव स्वभाव, क्लियर, सॉरी। तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि हाप्स की प्राकृतिक अवस्था क्या है और लाख का मानव स्वभाव। तो हाप्स ने प्राकृतिक अवस्था को अराजक माना। प्राकृतिक अवस्था है क्या, सबसे पहले इसको आप जान लो। प्राकृतिक अवस्था का मतलब होता है कि जब राज नहीं था उससे पहले का जो समाज हुआ करता था उसी को बोलते हैं प्राकृतिक अवस्था। मतलब राज्य और समाज विहीन जब एक प्रकार से लोग रहा करते थे उस अवस्था को प्राकृतिक अवस्था कहा है एक प्रकार से हाप्स महोदय ने। आपको बता दूं कि हाप्स जो है उन्होंने प्राकृतिक अवस्था को अराजक माना, मतलब कि वहाँ पर कोई शासन नहीं था, कोई राजा नहीं हुआ करता था, ठीक है। और भी चीज़ें उन्होंने स्वीकार करी, उन्होंने कहा कि उस समय मानव में उचित और अनुचित के निर्धारण की कोई क्षमता नहीं थी। प्रत्येक शक्तिशाली मनुष्य अपने से निर्बल व्यक्ति की संपत्ति को हड़पने का प्रयास करता था और इस प्रकार समाज में भय का वातावरण जो था वो लगातार बना रहता था और अराजकता व्याप्त थी, कोई किसी को रोकने वाला नहीं था। जो एक प्रकार से बलशाली था उसी का एक प्रकार से चल रहा था, जिसकी लाठी उसकी भैंस यही फंडा चल रहा था। और इस अराजकता से बचने के लिए लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं जिसमें घोषणा की गई है कि हम अपने सभी अधिकार अमुक व्यक्ति को समर्पित करते हैं, मतलब किसी एक व्यक्ति को सारे अधिकार समर्पित करते हैं और एक प्रकार से उसको राजा बना दिया जाता है और वह राजा पृथ्वी पर शासन करता है। इस प्रकार से सामाजिक समझौते में एक प्रकार सामाजिक समझौता होता है और उस दृष्टि से एक प्रकार से एक राजा बन करके पृथ्वी पर ब्रह्मा जी के द्वारा बना करके भेजा जाता है। और ब्रह्मा जी ने इस धरती पर सबसे पहला राजा किसको बना करके भेजा, मनु को राजा बना करके भेजा और मनु प्रथम राजा हुए इस पृथ्वी के। इस प्रकार से क्या हुआ कि ब्रह्मा जी के द्वारा जब सामाजिक समझौते के लिए एक प्रकार से लोग गए जो है, तब ब्रह्मा जी ने एक प्रकार से कहा कि ठीक है भाई, अगर आप लोग अच्छे तरीके से जीवन यापन नहीं कर पा रहे हो तो अपने अपने सभी अधिकार जो है एक व्यक्ति के पास निहित करो और उस व्यक्ति को राजा बना दिया जाएगा। तो वो व्यक्ति मनु थे, ठीक है। तो ये हाप्स की प्राकृतिक अवस्था है। अब लाख के मानव स्वभाव की अगर बात की जाए तो ये भी वही है। लाख का जो मानव स्वभाव है ये भी प्राकृतिक अवस्था में ही एक प्रकार से बात करते हैं मानव स्वभाव के बारे में, मतलब उस समय मानव का स्वभाव कैसा था। तो लाख कहते हैं कि मनुष्य जो था स्वार्थी था, झगड़ा, मतलब कि मनुष्य स्वार्थी, झगड़ालू और अहंकारी प्राकृतिक अवस्था में नहीं था। जबकि हाप्स का जो मानव था या मानव स्वभाव था वो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा झगड़ा करता था, एक प्रकार से ईर्ष्यालु था, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हुआ करती थी। तो एक प्रकार से हाप्स की अगर बात की जाए तो हाप्स का प्राकृतिक अवस्था का मानव स्वभाव जो था वो झगड़ालू प्रवृत्ति का था, हिंसक प्रवृत्ति का था, अहंकारी प्रवृत्ति का था। लेकिन लाख का जो मानव स्वभाव है वो स्वार्थी नहीं है, वो झगड़ालू नहीं है और इसके अलावा वो एक प्रकार से अहंकारी भी नहीं है। और आपको बता दूं कि उचित और अनुचित के निर्धारण करने की क्षमता जो है लाख के मानव स्वभाव में मिलती है। मनुष्य, लाख कहते हैं कि मनुष्य न्याय और विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है, उसमें सहानुभूति, प्रेम और दया के भाव जो थे उसके गुण स्वाभाविक रूप से पाए जाते थे प्राकृतिक अवस्था में भी। लाख क्या मानते हैं कि मनुष्य सदैव अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं और वे अक्सर सत्य नहीं बोलते हैं, परंतु उन्हें यह मालूम है कि सत्य बोलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को यह पता है कि भाई सही बोलना चाहिए, लेकिन व्यक्ति सही बोलता कहाँ है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि चोरी करना गलत है, लेकिन मौके आने पर लोग चोरी करते हैं, ठीक है। या सभी को पता है कि झूठ नहीं बोला जाता तो लोग मौके पर झूठ बोल देते हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये सब एक प्रकार से मनुष्य जानता है कि ये चीज़ गलत है फिर भी करता है। विवेक और ज्ञान मनुष्य को पशु से अलग करता है। और जहाँ हाप्स महोदय ने यह माना था कि मनुष्य की समस्त क्रियाओं की मूल प्रेरणा स्रोत शरीर को सुख पहुँचाना है, वहीं पर लाख का यह विचार है कि मनुष्य आत्मा की आवाज़ सुनता है और उसके अनुसार आचरण करता है। यह सदैव स्वार्थी नहीं होता है,
आत्मा, मन जो होता स्वार्थी है, लेकिन आत्मा स्वार्थी नहीं होती है, बल्कि उसे परोपकार एवं त्याग की बलवती भावना एक प्रकार से आत्मा सिखाती है। तो इस प्रकार से आत्मज्ञान था उस समय मनुष्य को, जब एक प्रकार से मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में था, जब राज्य नहीं था, समाज नहीं था, तो उस समय का मानव आपस में झगड़ा नहीं करता था, जबकि हाब्स कहते कि झगड़ा करता था। और यही बात, चूंकि हाब्स और लॉक दोनों ने सामाजिक समझौते का ही सिद्धांत दिया राज्य की उत्पत्ति का, ठीक है, और तो दोनों के विचारों में ये मतभेद मिलते हैं, ठीक है, इसीलिए इन दोनों से प्रश्न पूछा जाता रहा है। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जेएस मिल का उपयोगितावाद का सिद्धांत क्या है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। जेएस मिल की उपयोगितावाद का सिद्धांत क्या है बताइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो उपयोगितावाद की अगर बात की जा रही है और खास करके जेएस मिल की, तो जेएस मिल का जो उपयोगितावाद है, जेएस मिल और बेंथम ये उपयोगितावादी विचारक हैं। और आपको बता दूं, उपयोगितावाद अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित है, मतलब जितना ज़्यादा सुख कर लो आप, उतना ही एक प्रकार से आपने जीवन यापन कर लिया, उतना ही अच्छा है। तो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित एक सिद्धांत है, उसका नाम है उपयोगितावाद, और जेएस मिल उसके प्रणेता हैं। आपको बता दूं, जेएस मिल अधिकतम सुख के सिद्धांत को नैतिकता का आधार मानते हैं, और एक प्रकार से जेएस मिल यह भी मानते हैं कि प्रत्येक कार्य उसी अनुपात में सही है जिसमें वह सुख की वृद्धि करता है, और जो भी कार्य सुख के विपरीत हैं यानी गलत हैं, मतलब कि जो भी सुख के विपरीत कार्य हैं वे गलत कार्य होते हैं, वो सही नहीं है। यानी सुख का आनंद, मतलब कि सुख का अर्थ है क्या, आनंद की प्राप्ति, और दुख का अभाव, दुख का अर्थ क्या है, पीड़ा और आनंद का अभाव। इन विचारों के कारण से वह बेंथम का पक्का सदस्य माना जाता है, क्योंकि बेंथम, जर्मी बेंथम जो थे, उन्होंने भी उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था, और फिर उसके बाद में जर्मी बेंथम के ही शिष्य जेएस मिल जो थे, उन्होंने भी एक प्रकार से, जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्हीं को जेएस मिल कहा जाता है, तो उन्होंने एक प्रकार से उपयोगितावाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। और मिल ने लिखा कि सभी व्यक्ति जीवन में अधिकतम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और इस प्रकार मिल ने बेंथम के सुखवाद को भी स्वीकार किया, और बेंथम के समान मिल ने भी व्यक्ति के ध्येय सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति बताया कि मनुष्य का जीवन इसीलिए मिला है ताकि आप अपने दुख को खत्म कर सके, और मनुष्य के जीवन अगर पाए तो आप सुख कर सके, इतना सुख, अगर आप सुखवाद की जो धारणा है वो यही कहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सुखी रहें और सुख की प्राप्ति करें, दुख की निवृत्ति करें, दुख को भगाएं और सुख को प्राप्त करें। परंतु आगे चल करके उसके उपयोगितावाद में परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता है, और जेएस मिल और एक प्रकार से जर्मी बेंथम, इन दोनों के एक प्रकार से उपयोगितावाद में काफ़ी अंतर बाद में देखने को मिलता है। शुरुआत में तो वही धारणा, उसी आधार को एक प्रकार से फॉलो किया जो है जर्मी बेंथम वाले आधार को, किसने, जेएस मिल ने, फिर बाद में जा करके कुछ चेंजमेंट आता है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग जेएस मिल तक पढ़ चुके थे, जेएस मिल का आप लोग उपयोगितावाद मैंने आपको बता दिया था। अब आगे आपको पढ़ना 10वां, ये है स्वतंत्रता और समानता पर लास्की के विचार। स्वतंत्रता और समानता पर लास्की के क्या विचार थे उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, 9 क्वेश्चंस तक हो गया था आपका, अब 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, स्वतंत्रता और समानता पर लास्की के क्या विचार हैं। तो भाई, स्वतंत्रता और समानता पर लास्की के अगर विचारों की बात की जाए, हालांकि लास्की ने अधिकार से रिलेटेड विचार भी दिए हैं, लास्की का बहुलवाद भी बड़ा फेमस है, ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता और समानता पर लास्की के क्या विचार हैं, एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है। तो लास्की के स्वतंत्रता की अवधारणा उसके अधिकारों के साथ जुड़ी हुई है, और इसीलिए स्वतंत्रता अधिकारों का सार भी कहा जाता है, कि स्वतंत्रता जो है वो अधिकारों का सार है। अगर किसी देश में अगर आपको अधिकार मिले हुए हैं चाहे किसी भी चीज़ की, तो वो एक प्रकार से इसका मतलब है कि आपको स्वतंत्रता कहीं ना कहीं पे वहाँ पर मिली हुई है। अधिकार जो है वो कहीं ना कहीं पे स्वतंत्रता का क्या है, सार है। और इस संबंध में लास्की के विचारों में परिवर्तन होता रहा है समय के साथ साथ। शुरुआत में बहुलवादी विचारधारा शुरुआत में रही प्रारंभ में, और बाद में मार्क्सवादी हो जाता है लास्की, और आप देखिएगा फिर समाजवादी, फिर लोकतंत्रवादी हो जाता है। तो स्वतंत्र व्यक्ति के विकास के लिए नितांत आवश्यक है कि वो समय के साथ साथ अपने आप को परिवर्तित करता जाए, और लगभग आप देखिएगा स्वतंत्रता और समानता पर लास्की के जो विचार हैं, उसने स्वतंत्रता के 3 रूप बताए हैं। पहला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब कि व्यक्ति एक प्रकार से अपने आप में स्वतंत्र है। दूसरा, राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक यानी किसी के अंडर में काम नहीं करता, पॉलिटिकल स्वतंत्रता जिसको कहते हैं, ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता। और तीसरी होती है आर्थिक स्वतंत्रता,
ये तो तीन प्रकार की स्वतंत्रता स्वतंत्रता की बात कौन करता है? लास्की करता है, ठीक है। अच्छा, लास्की का जो बहुलवाद है इसके बारे में भी कई विद्वान एक प्रकार से अपने अपने मत देते हैं और एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है। तो लास्की की अगर बात किया है तो राज्य के दमनकारी शोषक स्वरूप के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में बहुलवादी विचारधारा का जन्म जो है वो लास्की के द्वारा होता है। और लास्की की विचारधारा ने एक सत्तात्मक राज्य के हाथों में असीमित शक्ति के केंद्रीकरण के विरुद्ध लोकतंत्र के हित में सत्ता के संघात्मक स्वरूप की अवधारणा का प्रतिपादन किया। आपको बता दूं, लास्की ने बहुलवादी सिद्धांत का समर्थन किया और उसके कई आधार बताए, जैसे कि प्रत्येक समाज में रीति रिवाज होते हैं जिसकी हम अनदेखी नहीं कर सकते, उनको मानना ही पड़ता है, और अपने दायित्व का निर्वहन मनुष्य के द्वारा स्वयं किया जाता है। इसके अलावा अपनी निष्ठा की मांग करने से पहले राज्य को अपनी सत्ता का औचित्य सिद्ध करना चाहिए। इसके अलावा शक्ति का लोकतंत्रीकरण भी आवश्यक है। ये सब लास्की स्वीकार करता है। आगे बढ़ते हैं, केवल 5 प्रश्न आपको करने हैं। खंडबा के 200 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है, ठीक है। पहला प्रश्न आप देखिएगा, लघु उत्तर टाइप का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, नारी अधिकारवाद पर मेरी वॉलस्टन क्राफ्ट के विचारों पर प्रकाश डालिए। आपको बता दूं कि नारीवादी विचारधारा पर एक प्रकार से जो मेरी वॉलस्टन क्राफ्ट है, इनके विचार बड़े फेमस हैं और ये खास करके बड़ी फेमस विद्वान भी हैं। ये एक प्रकार से आपको बता दूं महिला विद्वान हैं और नारियों को लेकर के इनके विचार जो है आप जब जानेंगे तो एक प्रकार से इनके बारे में ऑलरेडी मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर में, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी आपको जानना चाहिए। नारी अधिकारवाद एक विचारात्मक आंदोलन है जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर आधारित है, और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है कि स्त्रियों के अधिकारों को मानव अधिकार की समान श्रेणी के रूप में मान्यता दी जाए। क्योंकि प्राचीन भारतीय ग्रंथ मनुस्मृति में कहा गया है कि यत्र नारेस्तु पूजयन्ते रम्यते तत्र देवता, मतलब कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता विराजमान रहते हैं। और भारत में वैदिक कालीन समाज में आप देखिएगा नारी को बराबर अधिकार मिले हुए थे, नारियों को पूजा जाता था, नारियों में एक प्रकार से सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। लेकिन पाश्चात्य समाज में आप देखिएगा नारियों की स्थिति वैसी नहीं थी जैसी भारत में थी। तो इसी को लेकर के एक प्रकार से आप देखिएगा नारियों के अधिकारवाद की मांग जो है लगातार आती है। मेरी वॉलस्टन क्राफ्ट अपने विचारों को उसमें रखती हैं। आप देखते हैं नारीवादी आंदोलन की दिशा में 18वीं शताब्दी में जोरों से आवाज़ उठाई गई और इस दिशा में एक प्रमुख उदारवादी महिला थी, उन्हीं का नाम है एक प्रकार से वॉलस्टन क्राफ्ट, ठीक है, मेरी वॉलस्टन क्राफ्ट, और ये उदारवादी महिला विचारक है। आपको बता दूं सन 1793 में प्रकाशित इनकी एक पुस्तक है विंडिकेशन ऑफ टू राइट्स ऑफ वुमेन, यानी नारी अधिकारों की प्रमाणिकता, इस नाम से इनकी पुस्तक प्रकाशित होती है 1793 में। उसमें स्त्रियों को कानूनी, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में समानता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण पैरवी उस पुस्तक के माध्यम से की गई। वॉलस्टन क्राफ्ट ने विशेष रूप से स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग सद्गुणों की प्रचलित धारणाओं को चुनौती देते हुए सामाजिक जीवन में स्त्री और पुरुष का या स्त्री और पुरुष की एक जैसी स्थिति और भूमिका की मांग करी कि जो स्थितियाँ और जो भूमिका पुरुषों को मिलती है वही स्थितियाँ समाज में और उसी भूमिका का निर्वहन एक स्त्री भी कर सकती है। तो अपने अधिकारों की मांग जो है इन्होंने करी, और इनका कहना था जो है वॉलस्टन क्राफ्ट का कि स्त्री पुरुष में भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। और आगे चल करके जॉन स्टुअर्ट मिल और मार्क्सवादियों ने स्त्री संबंधों पर गहरी रुचि दिखाई, और मिल ने 1869 ईस्वी में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित होती है सब्जेक्शन ऑफ विमेन्स, यानी स्त्रियों की पराधीनता। उस पुस्तक में उन्होंने तर्क दिया कि स्त्री पुरुष का संबंध मैत्री पर आधारित होना चाहिए। 1970 ईस्वी के दशक में आप देखते हैं यूरोप और अमेरिका की अनेक जागरूक महिलाओं ने तर्क दिया कि स्त्रियों के मताधिकार आंदोलनों और स्त्रियों की स्थिति के प्रति उदारवादी और समाजवादी दोनों विचारधारा या दोनों विचार परंपराओं में इतनी सजगता होने के बाद भी पश्चिमी संस्कृति के अंदर स्त्रियों की पराधीनता का अंत करने की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई है। तभी से नारी अधिकारों के लिए नए आंदोलन की शुरुआत होती है, और इसमें एक प्रमुख महिला दार्शनिक मेरी वॉलस्टन क्राफ्ट भी शामिल थी। कुल मिलाकर के आप देखिएगा मेरी वॉलस्टन क्राफ्ट उदारवादी महिला विचारक हैं। उनका कहना है कि नारी अधिकारवाद के पुनरुत्थान के लिए नए संघर्ष की शुरुआत की जाए, इसमें स्त्रियों के लिए अवसर की पूर्ण समानता और लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया जाए, और
स्त्री पुरुष समान कार्यक्रम के लिए समान वेतन, विवाह, गर्भपात कानूनों में सुधार लाया जाए, और नारीवाद आंदोलन का सबसे लोकप्रिय पक्ष है खास करके, लेकिन इसे बहुत प्रभावशाली नहीं समझा जाता है, खास करके जो गर्भपात संबंधी कानूनों में सुधार करने की बात हो या विवाह की बात हो या समान वेतन की बात हो, तो नारी और पुरुष में एक प्रकार से भेद को समाप्त करने का काम नारीवादी आंदोलन एक प्रकार से लगातार करता आया है, और नर नारी एक समान का नारा देता आया है। तो नारी अधिकारवाद पर मेरी वारिस्टन क्राफ्ट के यही सब विचार हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। दूसरा प्रश्न है लघुतरीय का, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। जॉन रॉल्स के विचार क्या हैं भाई, खास करके प्रश्न क्या पूछा गया है, जॉन रॉल्स के विचारों के बारे में बताएं। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की विवेचना कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो न्याय सिद्धांत की अगर बात की जाए तो जॉन रॉल्स की एक पुस्तक है न्याय का सिद्धांत, वो 1971 ईस्वी में प्रकाशित होती है, और उसमें रॉल्स ने न्याय के सिद्धांतों को लगाने के लिए अनुबंध मूलक समाज दर्शन का सहारा लिया। और आपको बता दूं, उन्होंने कल्पना की है जॉन रॉल्स ने कि यदि व्यक्तियों को अपनी वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से अलग कर दिया जाए और समाज में प्रचलित भेदभाव को भी एक प्रकार से अपरिचित कर दिया जाए, इससे वे भावी समाज में हितों मतलब अपने हितों की अधिकतम वृद्धि के लिए सामाजिक जीवन के नियमों, सिद्धांतों और संस्थाओं का पुनर्निर्माण किस प्रकार करेगा। और इस काल्पनिक स्थिति को रॉल्स ने मूल स्थिति की संज्ञा दी, और ऐसी स्थिति में लोग परस्पर सहमति से जो नियम स्वीकार करेंगे उन्हें विश्वव्यापी आधार पर न्याय के नियम मान सकते हैं। न्याय सिद्धांत के बारे में एक प्रकार से मनुष्य बताता, मतलब कि ये कहते हैं जॉन रॉल्स कि मनुष्य अज्ञानता के पर्दे के पीछे बैठा हुआ है और यह एक काल्पनिक स्थिति है, इमेजिन सिचुएशन है। अज्ञानता के पर्दे के पीछे मनुष्यों पर कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं जो नैतिकता के विचार के साथ जुड़ा हुआ है, और रॉल्स जो हैं उन्होंने मूल स्थिति में जिन मनुष्यों की कल्पना की है वो विवेकशील कर्ता हैं जो न्याय के नियमों का पता लगाने के उद्देश्य से परस्पर सहमति पर पहुंचने के लिए एकत्रित हुए हैं। नैतिक नियमों से बंधे होने के कारण से वे अपने वो इतने अहंकारी नहीं हो सकते कि वे हर तरह से स्वार्थी हो जाएं। मतलब उनकी स्वार्थ भावना पर नैतिक भावना का नियंत्रण होता है और वे ईर्ष्यालु भी नहीं है। उनका सरोकार अपने अपने लिए प्रारंभिक वस्तुओं की अधिकतम वस्तुओं में अधिकार और समानताएँ, शक्तियाँ और अवसर, आय और संपदा, आत्मसम्मान के साधन, ये सब सम्मिलित हैं। और इन मनुष्यों की एक और विशेषता है कि वे जोखिम उठाने या जुआ खेलने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि अज्ञानता के पर्दे के पीछे वे यह नहीं जानते हैं कि हम कितना दांव लगा सकते हैं। कुल मिलाकर के जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की अगर बात की जाए तो उन्होंने कई सारे सिद्धांत दिए हैं न्याय से रिलेटेड। पहली बात उन्होंने बताई समान स्वतंत्रताओं का सिद्धांत, दूसरा सामाजिक आर्थिक विषमता, तीसरा उपयोगितावाद का खंडन। ये तीन सिद्धांत जो हैं इनके हैं। समान स्वतंत्रताओं के सिद्धांत में इन्होंने कहा कि जो उदार लोकतंत्रीय प्रणालियों के अंतर्गत पाए जाते हैं, इसमें राजनीतिक सहभागिता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, ये सब शामिल होती है समान स्वतंत्रताओं के सिद्धांत में। ठीक है, रॉल्स ने स्वीकार किया कि कुछ समान स्वतंत्रताओं में केवल इस शर्त पर कमी की जा सकती है कि इसमें स्वतंत्रता में वृद्धि होती है। तो इसी प्रकार से सामाजिक आर्थिक विषमता के बारे में बताते हैं जॉन रॉल्स दूसरे सिद्धांत में न्याय के। कहते हैं कि जो है रॉल्स कहते हैं कि अवसर की उचित समानता में भेद मूलक सिद्धांत का प्रयोग शुरू हो जाता है, और इसमें सबसे पहले यह मान लिया जाता है कि प्रारंभिक वस्तुओं का समान वितरण होना चाहिए। ठीक है, उपयोगितावाद का खंडन इन्होंने किया जॉन रॉल्स ने, यह भी इनका एक सिद्धांत है न्याय का। जॉन रॉल्स ने अपने सिद्धांत में उपयोगितावाद का खंडन किया है, और उपयोगितावाद का उद्देश्य उपयोगितावाद की अधिकतम वृद्धि से है ऐसा माना है, चाहे उसका वितरण किसी भी रूप में क्यों ना हो, इसमें किसी भी व्यक्ति के लिए निश्चित नहीं होता कि उसे कितना लाभ मिलेगा। रॉल्स की न्याय व्यवस्था के अनुसार सुखी लोगों के सुख को लोगों के दुख का हिसाब बराबर नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो न्याय के सिद्धांत को लेकर के जॉन रॉल्स जो है इन तीन सिद्धांतों के बारे में बताता है, समान स्वतंत्रताओं का सिद्धांत, सामाजिक आर्थिक विषमता और उपयोगितावाद का खंडन करता है। न्याय समाज का प्रथम सद्गुण ये मानता है,
प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता के बारे में स्वीकार करता है, सामाजिक न्याय से सरोकार करता है और राल्स के सिद्धांतों की आलोचना भी बाद में विद्वानों ने करी। जान राल्स का विचार था कि धनी वर्गों के विकास से निर्धनों को भी कुछ लाभ मिलता है। जान राल्स ये मानता था कि अगर लोग और धनी होंगे तो इससे एक प्रकार से वो गरीबों की मदद कर सकते हैं। ठीक है, समष्टिवादियों ने इसे उचित माना है, लेकिन निर्धनों का सही पता लगा पाना काफ़ी कठिन होता है। और एक प्रकार से ऐसे में क्या होता है कि जो जान राल्स का विचार है कि धनी वर्गों के विकास निर्धनों का विकास होगा, ये एक प्रकार से अपने आप में पूर्णतया सत्य नहीं है। तो इस आधार पर इनकी आलोचना होती है। दूसरी आलोचना इनकी होती है मार्क्सवादियों के द्वारा। मार्क्सवादियों का कहना है कि आर्थिक और सामाजिक तथ्यों की जानकारी के बिना न्याय का सिद्धांत निर्धारित करना तर्कसंगत नहीं है। तीसरी बात, स्वेच्छा तंत्रवादियों के अनुसार राल्स ने समानता पर अत्यधिक बल देकर के मनुष्य की स्वतंत्रता को बलिदान दे दिया है, और इस प्रकार से जब मनुष्य की स्वतंत्रता को बलिदान दे दिया इन्होंने एक प्रकार से समानता पर ज़्यादा बल देकर के, तो समानता और स्वतंत्रता दोनों को बराबर होना चाहिए और दोनों का उचित स्थान है, लेकिन समानता पर एक प्रकार से ज़्यादा बल देता है जान राल्स और स्वतंत्रता एक प्रकार से उस पर ध्यान नहीं देता है। तो इस कारण से समानता के चक्कर में स्वतंत्रता को भी एक प्रकार से ख़त्म कर देता है। और समुदायवादियों के अनुसार अगर देखें तो राल्स का राजनीतिक दर्शन उत्तम जीवन की किसी भी संकल्पना को दूसरों के श्रेष्ठ या हीन मानने का दावा नहीं करती है। ये भी एक प्रकार से इसकी आलोचना करी जाती है। कुल मिलाकर के कई प्रकार की आलोचनाएं होते हुए भी राल्स के न्याय सिद्धांत का विशेष महत्व है, और राल्स का जो एक प्रकार से सिद्धांत है या राल्स ने एक प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत के माध्यम से सामाजिक न्याय के लक्षण की पूर्ति का प्रयास किया, और इसी लिए इसे संकल्प का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी जान राल्स के न्याय के सिद्धांत को संकल्प का सिद्धांत भी कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तीसरा नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है, सोफिस्टों के राजनीतिक विचारों पर प्रकाश डालिए। सोफिस्टो भी एक प्रकार से विचारक हैं, और बारकर महोदय सोफिस्टो के संबंध में कहते हैं कि सोफिस्ट ऐसे विचारों के प्रणेता थे जो नवीन विलक्षण विरोधाभासी तथा कर्म प्रिय थे, और वे एक दार्शनिक थे सोफिस्टो। वैसे तो सोफिस्टो ने यूनान के राजनीतिक चिंतन में या चिंतन के विकास और यहाँ के इतिहास में एक गतिशील भूमिका अदा की है। सोफिस्टो शिक्षा को देने के बाद में पैसे लेते थे, और इस कारण से इनकी आलोचना भी होती है। सेबाइन महोदय एक इतिहासकार हैं, मतलब विद्वान भी, राजनीति शास्त्र के अच्छे खासे विद्वान हैं। तो सेबाइन महोदय कहते हैं कि जो है सोफिस्टो जो था वो अपना कोई दर्शन, मतलब सोफिस्टो का कोई उनका अपना दर्शन नहीं था, वे संपन्न लोगों से पैसा लेते थे और उनको शिक्षा देते थे, ये सोफिस्टो का काम था। सोफिस्टो ने प्रकृतिवादियों का खंडन किया, उन्होंने निवासियों का ध्यान प्रकृति से मानवतावाद की तरफ मोड़ दिया। यूनानी विचारधारा में सोफिस्टो का यह दृष्टिकोण सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा है। मानवतावाद की स्थापना दक्षिण इटली में 427 ईसा पूर्व एथेंस आने वाले गार्गियास ने किया था, और उस समय भौतिकवादी दार्शनिकों का बहुत बोलबाला था। भौतिक जगत को संचालित करने वाले नियमों और इसके मौलिक तत्वों के अनुसंधान में संलग्न थे लोग। तो आप देखते हैं कि सोफिस्टो जो है उसका प्रमुख सिद्धांत सत्य की सापेक्षता का सिद्धांत है, और प्रकृतिवादियों का तो खंडन किया ही, लेकिन जो है सत्य की सापेक्षता का सिद्धांत जो है सोफिस्टो का प्रमुख सिद्धांत है। आप देखते हैं प्रोटागोरस सोफिस्टो इसका पूरा नाम है, और इसने नैतिक और राजनीतिक एक प्रकार से सबसे नैतिक और राजनीतिक विचारक जो है इसको माना जाता है। बहुत प्रतिभावान था, सबसे पहले यूनानियों में द्वंद्ववाद की व्याख्या करता है ये, और इसने कहा कि प्रत्येक वस्तुओं का मापदंड जो है व्यक्तिवाद पर एक प्रकार से ज़्यादा बल देता है, और ख़ास करके प्रत्येक वस्तु प्रत्येक व्यक्ति जो है वस्तुओं का मापदंड है ऐसा मानता है, और व्यक्तिवाद पर बहुत ज़्यादा बल देता है सोफिस्टो। तो कुल मिलाकर के सोफिस्टो की कई सारी विशेषताएं हैं। पहली बात तो सोफिस्टो ने आध्यात्मिक एवं प्राकृतिक विषयों के चिंतन के स्थान पर मानवीय और राजनीतिक चिंतन को प्रधानता दी। दूसरी बात, सोफिस्ट बुद्धिवादी थे, और उन्होंने यूनान में तर्कवाद और स्वतंत्र विचारधारा का प्रतिपादन किया। तो ये सोफिस्टो के कुछ राजनीतिक विचार थे। इसके अलावा सोफिस्टो जो था वो धनी लोगों से पैसा लेकर के उनको शिक्षा दिया करता था। चौथी बात आप लिख सकते हैं, सोफिस्टो जो था वो प्रबल व्यक्तिवादी व्यक्ति था। इसके अलावा पाँचवीं बात, यूनानियों में सोफिस्टो की प्रतिभा थी, वे कई कलाओं के ज्ञाता थे सोफिस्टो। हिप्पियास में कवि, गणितज्ञ, इतिहासवेत्ता, संगीतज्ञ, राजनीति शास्त्री सहित सभी गुण इसके थे। इसके अलावा
सभी सोफिस्टों के मत अलग अलग थे। कुल मिलाकर के सोफिस्ट जो थे वो बुद्धिवादी थे, लेकिन एथेंस में उनकी बदनामी के दो कारण थे। पहला, वे विदेशी थे सोफिस्ट लोग, और उनकी शिक्षा लोकतंत्र विरोधी थी। तो सोफिस्ट की शिक्षा लोक विरोधी थी, और चूंकि वो एक प्रकार से विदेशी थे, इसीलिए एक प्रकार से वो एथेंस में उनकी बदनामी हुई, ठीक है, और उनका एक प्रकार से उतना ज़्यादा दबदबा नहीं कायम हो पाया। ये रहा सोफिस्टों के राजनीतिक विचारों के बारे में कुछ बातें। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्या है, हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति की व्याख्या कीजिए। हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति की अगर बात की जाए तो हीगल के दर्शन का आधार स्तंभ है विश्वात्मा की अवधारणा और विश्वात्मा की विशेषताएं। और विश्वात्मा की विशेषता क्या है, सतत गतिशीलता। कुल मिलाकर के हीगल ने विश्वात्मा की स्वप्रेरित गतिशीलता को अभिव्यक्त करने वाली पद्धति को द्वंद्वात्मक प्रक्रिया कहा, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का नाम दिया। और हीगल ने अपने समस्त विद्वानों को द्वंद्वात्मक पद्धति के द्वारा विवेचित किया है। द्वंद्वात्मक पद्धति का विचार हीगल के दर्शन का मूल तत्व अवश्य है, किंतु यह उसका मौलिक विचार नहीं है। द्वंद्वात्मक पद्धति वस्तुतः इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सुकरात ने किया था, और हीगल ने यूनानियों के विचार में द्वंद्वात्मक पद्धति को ग्रहण करते हुए उसमें मौलिक परिवर्तन कर दिए, और इसे वाद विवाद के स्तर को उठा करके वाद प्रतिवाद और संवाद के स्तर पर ले गया। हीगल के अनुसार यूनानियों के विचार में द्वंद्व की प्रक्रिया के दो चरण ही थे। उदाहरण के रूप में उनके विचार में राजतंत्र का प्रतिवाद निरंकुश तंत्र था, परंतु हीगल इस प्रक्रिया की जटिलता को दर्शाता है, और उसका मत ये है, मतलब उसका मत है कि यह प्रक्रिया तीन चरणों में चलती है, पहली वाद, दूसरी प्रतिवाद और तीसरी संवाद। यानी हीगल जो है वो किसी वस्तु की वास्तविकता की पहचान तीन चरणों में करने के लिए बताता है, पहली बात उसका होना, दूसरी बात उसका प्रतिरोध अथवा वह क्या नहीं है इसको बताना, यानी कि पहले वाद यानी विचार, फिर उसके बाद में उस विचार पर एक प्रकार से दोबारा से कोई प्रतिवाद आए वो, फिर उसके बाद में फिर संवाद हो उस पर, यानी दोनों का विश्लेषण हो और फिर क्या बने उसको देखा जाए। तो कुल मिलाकर के हीगल इस द्वंद्वात्मक पद्धति की बात करता है, जब भी कोई विचार आएगा तो उस पर पहले प्रतिवाद होगा, उसके बाद में फिर संवाद होगा, ठीक है। हीगल कुल मिलाकर के हीगल का कहना था कि मानव सभ्यता का विकास सीधा और सपाट नहीं है, वह टेढ़ा मेढ़ा है, जिसे आध्यात्मिक चिंतन या बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है। विकास की प्रक्रिया गतिशील और द्वंद्वात्मक है, साथ ही यह आंतरिक विरोध के द्वारा संचालित होती है, और इसका प्रत्येक सोपानवाद प्रतिवाद तथा संवाद से बनी त्रयी के रूप में दृष्टिगोचर होता है। तो वाद प्रतिवाद और संवाद, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, खास करके हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति में। आप देखते हैं हीगल कहता है कि मानव जो है वो धीरे धीरे सत्य की ओर आगे बढ़ता रहता है, और किसी भी विषय के सत्य की जो प्रथम झलक होती है वो मानव बुद्धि को मिलती है, और उसी बुद्धि को वाद कहा जाता है। फिर आगे चल करके जब मनुष्य को उसकी अपूर्णता का आभास होता है और वह नए सत्य की खोज करता है तो उसको प्रतिवाद कहा जाता है, या प्रतिवाद को तब जन्म मिलता है। परंतु वाद की ही भांति प्रतिवाद भी आंशिक सत्य ही रहता है, पूर्ण सत्य नहीं होता है। फिर शीघ्र ही उसकी असत्यता का आभास भी मानव बुद्धि, चूँकि मनुष्य के पास बुद्धि और बुद्धि होने के कारण से वह उसकी असत्यता का पता लगाता है, और उसके विरुद्ध भी प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मनुष्य फिर वाद और प्रतिवाद के आंशिक सत्यों का मेल करके संवाद के रूप में एक नवीन सत्य की खोज करता है, जो कि पूर्णतः सत्य माना जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य प्रत्येक तरही के द्वारा सत्य का अन्वेषण करता है, सत्य की खोज करता है, और सत्य की खोज की एक सीढ़ी चढ़ करके उत्तर, मतलब उच्च स्तर पर पहुँचने का प्रयास करता है। आगे चल करके संवाद पूर्ण सत्य होने के अभाव में स्वयं वाद बन जाता है, तथा विकास प्रक्रिया में एक नवीन त्रयी को जन्म देता है। तो इस प्रकार से वाद प्रतिवाद और संवाद का क्रम आबाद गति से चलता रहता है, और यह क्रम सदैव आगे की ओर बढ़ता रहता है, तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि विकास की इस प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती और पूर्ण सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। यह संवाद वाद और प्रतिवाद दोनों का समन्वित रूप होने के कारण इन दोनों से विकास की उच्च स्थिति का द्योतक होता है, लेकिन विकास की प्रक्रिया यहाँ आकर के रुकती नहीं, वरन निरंतर चलती रहती है। कालांतर में यह संवाद फिर बाद में बदलता है, फिर बाद फिर प्रतिवाद होता है, फिर संवाद में बदलता है, तो ये प्रक्रिया एक प्रकार से ऐसे चलती रहती है। तो ये होता है हीगल का द्वंद्वात्मक पद्धति, यही है, ठीक है, वाद प्रतिवाद और संवाद। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर, कांट के प्रमुख राजनीतिक विचारों पर प्रकाश डालिए। कांट के जो प्रमुख राजनीतिक विचार हैं उस पर आपको प्रकाश डालने के लेकर के प्रश्न पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से।
तो कांट की अगर बात की है तो कांट ने एक प्रकार से राजनीतिक विचारों को लेकर के कई सारी बातें कही। पहली बात कांट कहता है कि राज्य का आधार मनुष्य का सद्विवेक और राज्य एक नैतिक संस्थान है। मतलब कांट क्या मानता है कि राज्य क्या है, एक नैतिक संस्थान है और मनुष्य का सद्विवेक जो है वो राज्य का आधार होता है। दूसरी बात कांट ये स्वीकार करता है कि राज्य प्रभु सत्ता संपन्न होता है और संपूर्ण समूह और उसके विशेषाधिकार राज्य की प्रभुसत्ता में बाधक होते हैं। राज्य को इन समूहों की संपत्ति को अधिग्रहण कर लेना चाहिए जो उसके संप्रभुता में बाधक हो। तीसरी बात कांट कहता है कि राज्य जो है एकात्मक है। क्या है, राज्य एकात्मक है, राज्य की सत्ता सर्वोपरि है। चौथी बात कांट कहता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है और उसकी शक्तियों की एक सीमा है। पांचवी बात कांट कहता है कि राज्य को कभी भी ये तीन परिस्थितियां समाप्त नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी, राज्य में हमेशा स्वतंत्रता, समानता और स्वावलंबन, ये तीन स्थितियां या परिस्थितियां होनी चाहिए। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता और स्वावलंबन। छठी बात, राज्य एक विधिक संस्थान है और यह अधिनियमों की सृष्टि करता है। यह बात भी राजनीतिक विचारों में कांट देता है। सातवीं बात कांट यह कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की शक्तियाँ असीमित हैं, दो राज्यों के मध्य युद्ध राज्य के प्रभुसत्ता संपन्न होने का दावा करता है। आठवीं बात कांट यह कहता है कि अपने मतलब राज्य अपने नागरिकों के अधिकारों का सृष्टि करता है और इसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल है। इसके अलावा कांट यह भी कहता है कि दंड देने की शक्ति राज्य के पास होती है। राज्य के नागरिक जिनके द्वारा नियमों की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले को दंड दिया जाता है, दंड देने का क्या आधार होना चाहिए इसके निर्धारण के लिए कांट ने एक प्रकार से कई चीज़ें बताई हैं, वो चर्चा करते रहेंगे हम। तो कुल मिलाकर के कांट का दंड सिद्धांत जो है वो प्रतिकारात्मक दंड सिद्धांत है। क्लियर। जिस प्रकार से कांट के कुछ राजनीतिक विचार थे जिसके बारे में हमने आपको बताया। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा के दृष्टि से ध्यान रखिएगा। जॉन लॉक के द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जॉन लॉक के द्वारा प्रतिपादित जो प्राकृतिक अधिकार है वो एक प्रकार से क्या है भाई, तो जॉन लॉक की अगर बात की जाए तो लॉक के सिद्धांत की प्रत्येक बात व्यक्ति के चारों ओर घूमती है और उसके अनुसार लॉक के अनुसार समस्त स्थान पर व्यक्ति की प्रभुता होती है। वाहन कहते हैं कि लॉक का राजनीतिक सिद्धांत पूर्णतः व्यक्तिवाद पर आधारित है और उसकी व्यक्ति मतलब उसकी दृष्टि से व्यक्ति राज्य में या राज्य से सर्वोच्च होता है, मतलब व्यक्ति राज्य से बड़ा होता है और वह जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में देखता है जॉन लॉक। आपको बता दूं, संपत्ति और अधिकारों पर लॉक के जो विचार थे उसमें मानव को केवल जीवन का ही अधिकार नहीं है बल्कि यह निम्न तीन आधारों को प्राकृतिक अधिकार मानता है जॉन लॉक। कौन कौन से, पहली बात तो जॉन लॉक जो है प्राकृतिक अधिकारों के बारे में जो बात करते हैं, जीवन का अधिकार। सबसे पहला प्राकृतिक अधिकार कौन सा है, जीवन का अधिकार। मतलब कि हाप्स की भांति आत्म संरक्षण के अधिकार को बड़ा महत्व देता है जॉन लॉक भी। और मानव को यह अधिकार है, मतलब अधिकार है कि वो जिंदा रह सकता है, मतलब प्रकृति से उसको जीवन का अधिकार मिला हुआ है, उसको कोई छीन नहीं सकता। दूसरी बात, स्वतंत्रता का अधिकार। हाप्स के विपरीत लॉक जो है मानव की स्वतंत्रता को भी प्राकृतिक अधिकारों की कोटि में रखता है। स्वतंत्रता से उसका अभिप्राय हाप्स की भांति या नहीं है कि चाहे जो करो, जिसे चाहो मारो, जो पाओ उसको ले भागो, बल्कि स्वतंत्रता के बारे में जो लॉक का विचार है, लॉक कहता है कि नैतिक व्यवस्था के अनुरूप एक प्रकार से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ये प्राकृतिक अधिकार है। तीसरा अधिकार जो बताता है जॉन लॉक, वो बताता है संपत्ति का अधिकार। लॉक के संपत्ति संबंधी विचारों ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया और लॉक अपने मतलब लॉक जो है प्रारंभ में सब वस्तुओं पर समान मतलब सबका समान अधिकार था ऐसा बताता है। फिर व्यक्तिगत श्रम से मनुष्य ने व्यक्तिगत संपत्ति बनाई, खुद जिसने मेहनत किया उसने ज़्यादा संपत्ति बनाई, जिसने कम मेहनत किया उसने कम संपत्ति बनाई और इस प्रकार से शरीर के श्रम से ही मानव व्यक्तिगत संपत्ति बना लेता है। लॉक के अनुसार यह संपत्ति मानव का पवित्र अधिकार है और यह प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, तो इस प्रकार से संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन का अधिकार, ये तीन प्राकृतिक आधार है जिनको जॉन लॉक जो है वो एक प्रकार से प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बताता है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न क्या पूछा गया, मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक है, स्पष्ट कीजिए।
तो मैकियावेली एक प्रकार से उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि भाई वो क्या है, आधुनिक युग का शिशु है मैकियावेली। तो इसी संबंध में आपसे पूछा गया कि मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक है, स्पष्ट कीजिए इस कथन को। तो मैकियावेली जो है वो आधुनिक राजनीतिक चिंतन का प्रथम विचारक माना जाता है, और उसने या उसके चिंतन में मध्ययुग के अध्यात्मवाद का पुट नहीं है। कुछ विद्वानों ने मैकियावेली को सनकी और पागल माना है, कुछ ने उसके प्रति सहानुभूति दिखाई है। जब उसने अपनी पुस्तक प्रिंस की रचना करी तो यह पुस्तक यूरोप में घर घर पढ़ी गई, तब किसी ने उसे गाली दी और किसी ने उसकी बड़ाई करी। मैक्सी ने उसे युग पुरुष माना। मैकियावेली को कुछ विद्वान युग के एक शिशु के रूप में मानते हैं तो कुछ उसे आधुनिक युग का जनक मानते हैं, और इस संबंध में डनिंग महोदय कहते हैं कि यह प्रतिभावान फ्लोरेंसवासी पूरे अर्थों में अपने युग का शिशु था, और निम्न आधारों पर उसे अपने युग का शिशु माना जाता है। और क्या है भाई, पहली बात तो ये कि मैकियावेली युग परिवर्तन का शिशु था। मैकियावेली के समय क्या हुआ, सभी संस्थाएं अपने नैतिक पतन की ओर बढ़ रही थीं, समाज में राजनीतिक भ्रष्टाचार और नैतिक पतन का बोलबाला था, और ऐसे समय में मैकियावेली जो था उसने एक स्वार्थहीन युग के सिद्धांतवादी विचारक के रूप में कार्य किया, ये उसका युग परिवर्तन का शिशु, इसलिए उसको कहा जाता। दूसरी बात, पुनर्जागरण का शिशु, चूँकि जोन्स महोदय जो है उन्होंने मैकियावेली को पुनर्जागरण और फ्लोरेंस का शिशु बताया। मैकियावेली ने राजनीति को धर्म से अलग करके विचारों को एक ऐसी प्रदान मतलब विचारों को एक ऐसी दिशा प्रदान करी जो पुनर्जागरण की धारणा के अनुकूल थी। तीसरी बात जो कि इसको मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक सिद्ध करती है, वो है वासना का शिशु। मैकियावेली वासना और चरित्रहीनता का भी शिशु था। उसकी कृतियों में अनैतिक संबंध असामाजिक प्रवृत्तियों की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। उसने नकारात्मक वस्तुओं के अलावा सकारात्मक का भी प्रतिनिधित्व किया, परंतु उसे वासना का भी शिशु कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। चौथी बात, मैकियावेली राष्ट्रीयता का भी शिशु था, और मैकियावेली राष्ट्रीयता का शिशु था, उसने राष्ट्रीय भावना को प्रेरित किया, इसलिए उसे राष्ट्रीयता का शिशु भी कहा जाता है। तो इस दृष्टि से वो आधुनिक राजनीतिक चिंतक था। पाँचवीं बात, संप्रभुता का भी शिशु था मैकियावेली। मैकियावेली ने शक्ति को ही संप्रभु माना है, और उसके द्वारा निरंकुश और असीमित शक्ति का समर्थन व्यवहारिक रूप से संप्रभुता के उद्देश्य को पूरा करता है, और इसीलिए उसे संप्रभुता का शिशु भी कहा गया है। मैकियावेली ने चर्च और पोप की भी आलोचना करी, और मैकियावेली ने कहा कि चर्च ने हमें केवल धार्मिक और भ्रष्ट बनाया है, और इस प्रकार वह मध्ययुग का अंत करता है। तो कुल मिलाकर के संप्रभुता जो है एक प्रकार से मध्ययुग का आधुनिक जो है चिंतक रहा है, ये मैकियावेली प्राथमिक चिंतक रहा है, आधुनिक चिंतक रहा है। और इसके अलावा मैकियावेली जो है वो यथार्थवादी चिंतन का भी शिशु रहा है। मैकियावेली चूँकि यथार्थ विचारक था, यथार्थवादी विचारक था, और इसने अपने को दार्शनिक सिद्धांतों की उलझनों में न डाल करके व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन करने में डाल दिया, ये सबसे महत्वपूर्ण काम किया। सातवीं बात, निरंकुशता का भी शिशु है मैकियावेली। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में प्रशासक को निरंकुश, हिंसक, अत्याचारी, विश्वासघाती, कपटी, क्रूर, निर्दयी और बहुरूपिया बताया है। हेनरी सप्तम, अष्टम, लुई बारहवां, तेरहवां, चौदहवां, अलेक्जेंडर छठे, पोप जूलियस द्वितीय, इन सभी शासकों को निरंकुश और अत्याचारी बताया है मैकियावेली ने अपनी पुस्तक में। और मैकियावेली ने अपने युग का प्रतिनिधित्व किया, और इसीलिए उसको युग का शिशु कहा जाता है। और इस प्रकार मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। डनिंग के अनुसार वह आधुनिक युग को प्रारंभ करता है, और उसी प्रकार सत्य है कि यह जिस प्रकार यह कहना कि वह मध्ययुग को समाप्त करता है और एक आधुनिक राजनीतिक चिंतन की शुरुआत करता है। तो कुल मिलाकर के मैकियावेली के संबंध में ये बातें आप लिख देंगे तो हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या है, प्रश्न है मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो मध्ययुग के प्रारंभ और अंत के बारे में राजनीतिक विचारकों में आप देखते हैं बहुत ज़्यादा मतभेद आपको मिलेगा, और आपको बताऊं कि यहाँ इतना जानना आपको काफ़ी है कि प्राचीन काल का जब अंत हुआ उसी समय मध्यकाल का प्रारंभ हुआ, और प्रसिद्ध दार्शनिक मैकियावेली के समय तक को मध्ययुग माना जाता है, और अधिकांश विद्वान मैकियावेली को मध्ययुग का अंतिम और आधुनिक युग का पहला विचारक मानते हैं। और यहीं से एक प्रकार से मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की हम विशेषताओं को बताएंगे, यानी मैकियावेली के पहले की विचारधारा। पहली बात, चर्च की सर्वोत्ता मतलब कि चर्च की सर्वोच्चता थी मध्ययुग में, पहली विशेषता। चूँकि मध्ययुग में चर्च का स्थान इतना ऊँचा हो गया था कि राजसत्ता चर्च में केंद्रित हो गई थी, मतलब कि चर्च के द्वारा बताए गए नियमों को ही फॉलो करती थी राजसत्ता।
दूसरी बात, मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की विशेषता ये थी कि राजा की निरंकुशता पर प्रतिबंध है। एक प्रकार से मध्ययुग में राजसत्ता निरंकुश नहीं थी। राजा को अपना पद धारण करते या करते समय कुछ प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी और राजा उसी के अनुसार काम करता था। तो यानी कि निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाने का काम भी किया गया राजनीतिक चिंतन में, मध्ययुगीन की विशेषता है। तीसरी विशेषता मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की ये है, शरीर और आत्मा का सिद्धांत। मतलब मध्ययुगीन धर्मवेत्ताओं ने राजा को शरीर और चर्च को आत्मा का प्रतीक माना है। तो ये विचारधारा भी चली कि राजा जो है वो शरीर है और शरीर में जो आत्मा है वो चर्च की है। चौथी बात, केंद्रीय सत्ता का अभाव है। केंद्रीय सत्ता का अभाव यानी सामंतवादी व्यवस्था के कारण से क्या है, केंद्रीय सत्ता का कमी है, अभाव है। रोमन साम्राज्य बर्बर जातियों के आक्रमण से धराशाही होकर के टुकड़ों में बट गया और जिसका शासन स्थानीय सामंतों के हाथ में चला जाता है, तो केंद्रीय सत्ता का अभाव था, राज छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। पांचवी विशेषता ये है मध्ययुगीन चिंतन की कि प्रतिनिधि मतलब लोक प्रतिनिधि शासन प्रणाली का सिद्धांत। प्रतिनिधि शासन प्रणाली के सिद्धांत का मतलब ये है कि मध्ययुगीन राजनीतिक दर्शन में प्रतिनिधि शासन प्रणाली के बीज विद्यमान थे। पोप ईसाइयों का प्रतिनिधि था जिसका निर्वाचन पादरियों के द्वारा होता था। छठी विशेषता इस युग की यह है मध्ययुग की कि लोक सत्ता पर विचार किया जाता है। मतलब मध्ययुग में यह विचार प्रकट किया गया कि राजा को सिंहासन पर आसीन होने का अधिकार दैवीय अधिकार है, लेकिन राजा को शक्ति समाज से ही प्राप्त होती है और इसीलिए राजा सामाजिक सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। ये निरंकुश था उस पर, मतलब निरंकुशता पर अंकुश था। ठीक है, सातवीं विशेषता ये है कि मध्ययुग में राजतंत्र की प्रणाली सर्वोच्च समझी जाती थी। आठवीं विशेषता आप लिख सकते हो, सार्वभौमिकतावाद मध्ययुग की एक प्रमुख विशेषता थी और ईसाई विचारकों के अनुसार सारी मानव जाति एक बिरादरी की है ऐसा माना जाता था। नवीं विशेषता मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की ये है कि मध्ययुग में सामूहिक जीवन बिताने की प्रवृत्ति थी और इसीलिए व्यक्तिगत अधिकार एवं स्वतंत्रता की कमी हुआ करती थी। तो ये सब विशेषता थी मध्ययुगीन चिंतन की। ठीक है, प्रमुख विशेषताएँ थी जिसके बारे में हमने आपको बताया। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। केवल दो प्रश्न आपको करने होते हैं दीर्घ उत्तरीय से, ध्यान रखिएगा। 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। प्रश्न देखेंगे, पहला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का वर्णन कीजिए या फिर वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, दोनों में से एक प्रश्न आने वाला, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप क्या पढ़ेंगे, प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, भी प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि रूसो की समान इच्छा सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, यह भी प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, आपकी बार भी आएगा। अगला प्रश्न है, माइकल ऑक्सफोर्ड के राजनीतिक दर्शन को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से ये 4-5 प्रश्न जिनमें से केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं, हालांकि इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे, निश्चित तौर पर एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। इसके अलावा BA 4th सेमेस्टर में शिक्षा शास्त्र का लिखित मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ, 2 मॉडल पेपर हो चुके शिक्षा शास्त्र के, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा और योगा के लगभग 5 मॉडल पेपर हो चुके हैं। BA BSc BCom का जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है कोकलिकुरल, उसके कई मॉडल पेपर हो चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा प्राचीन इतिहास BA 4th सेमेस्टर का मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया 100 SBC लेकर के 1300 SBC तक के बीच के बारे में हमने इसमें पढ़ा। इसके अलावा संस्कृत साहित्य का मैंने दे दिया था, आप लोगों ने देखा होगा, काव्यशास्त्र और संस्कृत लेखन कौशल का लिखित मॉडल पेपर। इसके अलावा सैन्य विज्ञान का भी मैंने मॉडल पेपर दिया, ठीक है, स्ट्रैटेजिक थॉट के बारे में उसमें हमने बताया, लिखित मॉडल पेपर चर्चा करें। इस प्रकार से जियोग्राफी का भी मैंने मॉडल पेपर दिया था BA 4th सेमेस्टर का, इकोनॉमिक जियोग्राफी, इन सभी के लगभग 2-2 मॉडल पेपर हो चुके हैं हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।